अरे खटमल ये पर्सन है तू ढकलना नहीं यार मैं तब क्यों हटे अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। तो आपने जो इससे पहले वाली क्लिप देखी, वो हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद सब लोग मस्ती कर रहे थे उधर बैठे बैठे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने यूसरा का फेवरेट सॉन्ग लगाए थे, तो वो उस पर डांस कर रही थी। तो मैंने सोची कि मैं उसको थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग रात को हम लोग निकलने वाले हैं कर्नाटका के लिए, बिकॉज हम लोग उधर दरगाह पे जाएंगे, गुलबर्गा, अलन एंड वाड़ी वाली जो एक दरगाह है वहाँ जाएंगे। बहुत सारी तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या है उधर, क्या है, कैसा है। तो ये यहाँ पे यूसरा बहुत अच्छा डांस करी है, और आप कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह लिखना। तो वही, और यहाँ पे अभी जब से हम लोग आए तब से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा डेली व्लॉगिंग का। जो दिन निकलने का रहता है तब सुबह में अगर थोड़े थोड़े क्लिप्स अगर याद आते तो हम लोग थोड़ा क्लिप्स ले लेते। तो अभी देखते आगे क्लिप। डांस वाली तो रही सुबह की, तो फिर शाम के टाइम पर जब निकलने का, मतलब उससे थोड़ा पहले जाइए 5-6 बजे के आसपास, उसको स्टीम दिला रहे थे, बिकॉज उसको बहुत सारी सर्दी थी और कफ था इसके लिए, और वो बहुत रो रही थी। मतलब लाइक स्टीम के टाइम पे बच्चे लोग रहते हैं तो वो, और यहाँ पे फिर मैंने मोहम्मद को बोली, मोहम्मद इसके बाद तेरी बारी है, तो भी बहुत रो रहा है, बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने उसको बोली कि तेरी बारी है इसके बाद, क्योंकि बच्चे लोग को स्टीम से ज़्यादा डर लगता है, कोई कोई लोग रोते भी है ज़्यादा, तो हमारे घर पर ऐसा ही है। तो जो जो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं वो लोग रोते ही है स्टीम के लिए। तो ये यहाँ पर अभी यूसरा और मोहम्मद दोनों रो रहे थे, और ये यूसरा बार बार स्टीम निकाल दे रही थी, और देखो कैसी एक्टिंग कर रही है वो, उसको देख के बहुत हंसी आती है जब वो स्टीम लेती है, तब वो बहुत नखरे करती है। तो ये देख ही था स्टीम लेने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से 10 बजे निकल गए, 10 बजे के आसपास, 10:30, 10:45 के आसपास। तो यहाँ पे अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग रात के टाइम निकले थे ताकि हम लोग सुबह में जल्दी जा सकें और फिर वहाँ पे हम लोग ज़ियारत भी कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग निकल चुके हैं। फिर इसके बाद हम थोड़े देर के बाद हम लोग एक फ़र्स्ट स्टॉप था CNG के लिए, और कार से जा रहे थे, और कार से वैसे भी टाइम लगता है जाने में, तो यहाँ पे CNG के लिए फ़र्स्ट स्टॉप। तब सब सो के उठे थे, सबकी एक एक झपकी हो गई थी लाइक, क्योंकि नींद आती है, रात का टाइम था और सबको नींद आ रही थी, यूसरा भी, तो वही। तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग ने घर से चाय बना के लेके आए थे, तो अभी हम लोग वही पिएंगे। मैं यूजुअली ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बट ट्रैवलिंग में मुझे चाय लगती है, बिकॉज़ मेरे को बहुत नींद आती है कभी कभी। तो यहाँ पे अभी ये लोग सब अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ी रुकी थी, तो यहाँ पे अभी सब लोग चाय पी रहे, और हम लोग ने घर से पेपर का प्लास्टिक, मतलब पेपर कप जो आता है वो ले लिए थे, ताकि जिसको पीना है वो पी सके। तो हम लोग ने फर्स्ट यहाँ पे पहले चाय पिए फर्स्ट स्टॉप पे, तो चाय वैसे भी बहुत अच्छी बनी थी, और सिर्फ घर की चाय वैसे सबको बहुत पसंद आती है, तो यहाँ पे हमारी चाय एक नंबर बनी थी। तो यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे थे, और जो हमारे साथ अंकल थे जो नाना के दोस्त, वो भी आए थे। अभी हम लोग सब उधर खड़े खड़े चाय पी रहे थे, क्योंकि सबको बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात का टाइम था, और वैसे भी 11 तो बज ही गए थे, 11:30। तो इससे पहले वाली क्लिप में जहाँ पे हम सेकंड स्टॉप पे रुके थे, तो वहाँ पे ये लोग ने रिंगा रोजेस खेलना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी वैसे भी हम लोग फिर उसके बाद हम लोग किधर भी नहीं रुके, फिर उसके बाद हम लोग सीधा सुबह हम लोग पहुँचने आए, तब मैंने वीडियो लिखी थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने हैं, सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है, और यहाँ के रास्ते लाइक थोड़े बहुत ख़राब है, तो लाइक गाड़ी चलाने में थोड़ा मतलब ऐसा डर लगता है, पीछे बैठे हुए जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उछलते रहते हैं और वही सब। तो हम लोग फिर फाइनली पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके हम लोग अपना एक रूम लेंगे 1 डे के लिए, 1 नाइट स्टे। तो देखते आपको रूम भी बताती। तो यहाँ पे हम लोग अपने रूम में पहुँच गए, लाइक रूम ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बट लाइक एक दिन के स्टे के लायक था, लेकिन वहाँ पे बहुत गर्म था, तो बिल्कुल भी वहाँ पे
रात को नींद नहीं आई हम लोग को, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था और वैसे भी वहाँ पे गांव साइड जाते हैं तो लाइट जाने का ही वो रहता है। तो यहाँ पे यूसरा को देखो, उसकी मस्ती चालू हुई और नानी का कॉल आया था, क्योंकि नानी हमारे साथ नहीं आए थे। और यहाँ पे ये लोग लाइक ऐसा इधर ऐसा रिवाज है जो लोग फॉलो करते हैं ये चीज़ को, बट यहाँ अपने वाले लोग जो हिंदू लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ये चीज़ को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी दरगाह है वहाँ ज़्यादातर हिंदू लोग इसको मानते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लोग मानते हैं। तो बात अच्छी है कि लाइक मुस्लिम रिलीजन में हिंदू लोग भी अपना थोड़ा लाइक 100% देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वो लोग ऐसा करते हैं जाते जाते, तो लाइक दरगाह तक जाते जाते ऐसा करना पड़ता है और उन लोगों के साथ ढोल भी रहता है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये ट्रेडिशन कैसा है, तो आप सब मुझे कमेंट में बताना कि अगर किसी को भी पता रहे कि ये क्या है, कैसा है, ये क्यों करते हैं ऐसा, तो मुझे बताना, तो पता चलेगा हम लोग को भी। बिकॉज़ यहाँ पे जब हम लोग खड़े थे तो लाइक हम लोग की कोई न्यू चीज़ देखी थी, ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी मैंने, ऐसा कुछ होता है जब मन्नत पूरी होती है तब लोग ऐसा कुछ करते इधर। और इधर बहुत सारी पब्लिक थी सुबह 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक सॉरी। और जैसे ही हमने दरगाह से फिर हमने घर आते तब पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं था यहाँ पे, वन नाइट स्टे के लिए सिर्फ। और ये यहाँ से हम लोग की मस्ती चालू हो गई, हम लोग मासी को आगमन टपली दे रहे थे, तो वही सब यहाँ पे हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे। और मोहम्मद अभी जस्ट नींद में से उठा था, तो वही अभी यहाँ पे अभी हम लोग सब मासी से साथ मस्ती कर रहे थे और ये लोग सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही। और ये यूसरा तो पानी मतलब हम लोग को तो यहाँ हम लोग किधर भी जरूरत मतलब हम लोग को कुआ ही लेके जाना चाहिए। तो अभी हम लोग खाने ही बैठ रहे थे तो पहले अभी हम लोग हैंड वॉश करने गए बाहर, क्योंकि उधर पर्टिकुलर वॉशरूम नहीं था हाथ धोने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे ही हाथ धो रहे थे। और ये मामी कैमरे को भी हाथ धुला रहे, तो यहाँ पे अभी हम लोग सब खाने बैठे, तो चलिए आप भी आ जाइए खाने। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे और भी लोग ऐसा करके जा रहे थे। और आई गेस वो दिन अमावस की रात थी, तो तब ऐसा कुछ इतने सारे लोग, इतनी पूरी फैमिली के इतने सारे लोग की मन्नत किया, पता नहीं वॉट एवर जो भी है, तो लोग फिर से यही चीज़ कहते कहते जा रहे थे। तो लाइक मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था और मैंने मम्मी से ही पूछा कि लोग ऐसा क्यों करते, तो मम्मी बोल रहे थे कि लाइक जिसकी मन्नत होती है तो वो लोग ऐसा करते। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मतलब सच्ची में ऐसा कुछ करते हैं या ये कुछ न्यू निकला है, न्यू ट्रेडिशन है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो आप सब बताना कमेंट में जिसको अगर पता हो कि क्या है। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाने बैठ गए, हम लोग के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो जिधर हम लोग रुक रहे थे वो आंटी ने खाना भी बना के दिया, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने, फिर हम लोग शाम को ज़ियारत के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए हैं दरगाह के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी शाम की चाय हो जाए, क्योंकि उसके बिना सर में बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने नहीं पी थी चाय, बिकॉज़ मैंने सुबह में पी, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, मैंने पहले भी बोला और कितने लोगों को पता भी होगा ये चीज़। तो लाइक मैं कभी कभी पी लेती हूँ, बट ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब जा रहे थे और यहाँ पर मोहम्मद को देखो, ज़ैनब को देखो, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे। तो यहाँ पे दरगाह के बाहर साइड ही सब दुकानें थी, लाइक ऑलमोस्ट जिस किसी को फ्रेम चाहिए या वॉट एवर जो भी है, लींबू चढ़ाने के लिए नारियल सब था उधर, जिसको जैसा चाहिए वैसा। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे, और वैसे भी नागौरी की चाय बहुत अच्छी लगती, तो लोग ने मुझे बोले तूने मिस कर दी चाय को, लेकिन मेरे को नहीं पीना था, तो मैंने बोली नहीं पीना है मुझे। और यहाँ पे इस रहना ड्रिंक की जिद करी, तो मैंने उसको मना कर दी, देखो नहीं मिलेगा, तो फिर वो रोने लग गई। नजर लागे जूस ने।
तो बस अब हमको चाय पीने के बाद हमको फ्रूटी दिख गई तो हम फ्रूटी पियेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही काम है, अगर एक को फ्रूटी मिली तो सबके सब फ्रूटी के लिए जिद करेंगे। तो यहाँ पे यूसरा ने चाय पीने के बाद, यूसरा ने चाय भी पी और उसके बाद फिर फ्रूटी पी ली थी, बिकॉज इसका ऐसा है कि अगर इसको फ्रूटी या चिप्स कुछ भी दिख जाए तो भाई मुझे अब दिलाई दो। तो यहाँ पे अभी हम लोग ज़ियारत के लिए निकल गए। तो यहाँ पे अभी जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो आपको मैं यहाँ पे जूम करके बताऊँगी दरगाह का नाम क्या है। और यहाँ पे लाइक यहाँ पे जो ऐसा बोलते हैं कि लोग नींबू वाले पानी से नहाना चाहिए यहाँ का जो है, और उससे सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है एंड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है मतलब बॉडी में वो सब दूर हो जाती है। तो वही सब और यहाँ पे मतलब जिसकी देग रहती है तो लोग यहाँ पे देग मतलब खाना बनाते, तो वही सब यहाँ पे लोगों का चल रहा था जिसका था उसका, तो वही। और मैं ज़्यादा ऊपर से वीडियो नहीं ले रही थी क्योंकि और यहाँ पे लाइक जिसको रात रुकना है वो लोग सब रात को भी यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे अमावस मतलब यहाँ जैसा नगाड़ा बजता है जिसके अंदर मतलब कुछ हाजरी आती है मगरिब के टाइम पे, तो वो सब यहाँ पे भी कितने लोगों को था ऐसा, तो लोगों को जंजीर से बांध के रखे थे एक पिलर के साथ। तो वही यहाँ पे अभी हम लोग सब थोड़ा फाते दुआ करेंगे फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी पे बहुत पब्लिक थी और यहाँ पे कचरा भी इतना था लाइक लोगों को खा खा के वहाँ पे नहीं डालना चाहिए रैपर्स और सब, वहाँ पे बहुत सारा कचरा था लाइक लोग खा खा के उधर डाल भी रहे थे। तो वही इतना अजीब लग रहा था वो, लाइक बहुत बुरा लगता है कि तुम लोग सब दरगाह में जाओ और फिर ऐसा करो, तो लाइक अच्छा नहीं लगता वो। और यहाँ पे भी अंदर सारी दुकानें थी खिलौने की, इसकी उसकी बहुत सारी दुकानें थी इधर अंदर भी। तो वही अभी यहाँ पे अभी हम लोग जा अभी हम लोग एक साइड पे बैठेंगे फिर वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। और वैसे भी लेडीज़ लोग को अंदर जाना अलाउड नहीं है, मतलब कोई कोई लेडीज़ जाते हैं लेकिन हम लोग की लेडीज़ नहीं जाते। तो बस अब हमारी ज़ियारत हो गई, तो अभी हम यहाँ से जा रहे। तो वहाँ पे अभी इससे पहले क्लिप में सलातो सलाम हो रहा था वहाँ पे, तो वही मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं, फिर मैंने वही चलने दिया। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया। और हम लोग घर पर जाने के बाद अब लूडो खेलेंगे, तो अभी हम लोग सब लूडो खेलने बैठे थे थोड़ा टाइम पास के लिए क्योंकि वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, बहुत कंटाला आ रहा था। तो वही तो अभी हम लोग थोड़ा लूडो खेल रहे हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। तो आई होप आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कमेंट में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक।